और मेहाजी को 7 पुत्रियां होने के बाद एक भी पुत्र ना था और इसके कारण वह सदैव उदास दिखाई देते और उनकी चिंता का प्रभाव गांव वासियों पर भी पड़ता दिखाई देता था। और एक दिन श्री करणी जी की भुआ पीहर पहुंची और माँ करणी से कहा कि बाई, तू जगत को न जाने कितने बार अपने चमत्कार दिखा चुकी है और मुझे भी 2 बार दिखा चुकी हो, और घर में महामाया के होते पिता अपने वंश के लिए चिंतित रहे, इससे अधिक दुख क्या हो सकता है। तब माँ करणी बोली कि पिताजी को कह दो कि आप पुत्र के लिए चिंतित ना हो, मैं उन्हें एक नहीं बल्कि 2 पुत्र होने का वरदान देती हूँ। तब भुआ ने यह सूचना अपने भाई मेहाजी तथा उनकी पत्नी देवल देवी को बताई और वे दोनों अपनी पुत्री के मुंह से वचन पाकर खिल उठे और उसके 10 महीने बाद ही उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और माँ करणी जी ने उसका नाम सातल अर्थात 7 बहनों वाला रखा, और जिसकी खुशी मेहाजी ने कई दिनों तक मनाई। और उसके 2 वर्ष बाद उनका दूसरा पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम सारंग रखा गया। और श्री करणी जी की उम्र विवाह योग्य हो जाने पर भी उनका संबंध नहीं होने के कारण उनके पिता मेहाजी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। परंतु अपने पिता मेहाजी को अधिक चिंता वह सगे संबंधियों के तानों तथा जाति मर्यादा को बनाए रखने के लिए ही माता करणी जी ने विवाह संबंध करना स्वीकार किया और उन्होंने सुवा ब्राह्मण की लड़की जो उनकी सखी थी तो उनके माध्यम से मेहाजी को कहलाया कि साठिका गांव में केलू जी बिट्टू के यहाँ शिव ने अंशवतार लिया है, अतः वहीं पर मेरा विवाह होगा। और इसलिए मेहाजी देवी श्री करणी जी की आज्ञा पाकर साठिका गांव गए और केलू जी बिट्टू के पुत्र दीपाजी जो भगवान शिव के अंश अवतार थे उनके साथ श्री करणी जी का विवाह संबंध तय किया गया और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ओर से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। और दीपाजी को श्री करणी जी के रूप के बारे में संबंध होने से पहले ही जानकारी थी, इसलिए वह इस संबंध से खुश नहीं थे। अतः वे अपने पिता केलू जी की इच्छा के विरुद्ध केवल 1 बैल, 1 घोड़ा और 4 व्यक्तियों को बारात में लेकर विवाह के लिए रवाना हो गए। लेकिन केलू जी को पुत्र हट के आगे झुकना पड़ा और उनकी इच्छा के विरुद्ध ज्यादा शान से बारात नहीं गई। और विक्रम संवत 1473 वह 1416 ईस्वी में आषाढ़ शुक्ल नवमी को श्री करणी जी का विवाह दीपाजी बिट्टू के 7 साधारण रीति रिवाज से संपन्न हुआ। और उधर श्री करणी जी की माता देवल देवी द्वारा अपने पीहर आड़ाना गांव जाकर अपने भाई को विवाह में आने और भात भरने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन श्री करणी जी के घमंडी मामा ने माहिरा भरने व सेवरा देने के लिए नहीं आए। तब माँ करणी ने इसे अपना अपमान समझते हुए क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम्हारे वंश की कभी वृद्धि नहीं होगी और तुम्हारा निवास भी तुमसे छूट जाएगा और तुम यूं ही चारों ओर भटकते फिरोगे। एक बार जब वर वधु सुवाप गांव से साठिका के लिए रवाना हुए और मार्ग में पानी के लिए कष्ट ना हो इसलिए पिता मेहाजी ने बैलगाड़ी पर 4 पानी के मटके रखवा दिए और बारात गांव से 3 वह 4 कोस ही पहुंची थी कि दीपाजी को प्यास लग गई। तब दीपाजी ने पानी की भरी हुई मटकियां टटोली परंतु सभी मटकियां खाली पड़ी थी। इस पर दीपाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने में श्री करणी जी ने रथ के अंदर से आवाज दी कि आपके पीछे मुड़कर देखें, पानी की तलाई पास में ही है। और जैसे ही दीपाजी ने मुड़कर देखा तो माँ आदिशक्ति की कृपा से वहां पर एक तलाई बन गई और दीपाजी को ये देखकर आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और उन्होंने स्वयं पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बाकी बचे हुए लोगों ने भी पानी पिया। लेकिन जब दीपाजी ने श्री करणी जी को पानी का पूछने के लिए जैसे ही रथ का पर्दा उठाया तो देखा कि वहां पर एक सिंह पर सवार सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी रूपवान तथा सौंदर्य और पुंजरूप श्री महाशक्ति स्वयं हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी है। और ये देखते ही दीपाजी दूर जा खड़े हुए। श्री करणी जी ने अपने पति दीपाजी को कहा कि मैंने तुम्हें अपना लौकिक और वास्तविक दोनों रूप दिखा दिए हैं, आप जिस रूप में चाहे मुझे देख सकते हैं, और कहा कि मैं आपकी धर्मपत्नी अवश्य हूं, परंतु मेरा यह भौतिक शरीर के उपयोग का साधन नहीं है और आप मुझसे गृहस्थ संबंध नहीं रख सकते, और आप अपनी गृहस्थी के लिए मेरी छोटी बहन गुलाब बाई से विवाह कर लेना, वह आपकी गृहस्थी को संभाल लेगी, और मैं तो इस लोक में दिन दुखियों पर अत्याचार करने वाले, संपत्तियों को लूटने वाले, वह जो अपना कर्तव्य भूल गए हैं उनको अपने कर्तव्य का बोध कराने आई हूँ। और मेरा पिछला अवतार आवड़ जी का अधिक सुंदर होने के कारण अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में कई बाधाएं आई थी और इस बार ऐसा ना हो इसलिए श्री भगवती महामाया ने मुझे ऐसा भौतिक स्वरूप प्रदान किया है। इतना सुनकर दीपाजी की आंखें खुल गईं। जब श्री करणी जी के विवाह की बारात करणु गांव में जा रुकी तो वहां पर करणा आणदा नाम का एक खाती रहता था और उसने देवी करणी जी के चमत्कार के बारे में सुन रखा था। और जब उसे पता चला कि श्री करणी जी रथ में बैठकर ससुराल जा रही है तो उसने रास्ते में जाकर श्री करणी जी से निवेदन किया कि आज रात आप सभी मेरे घर पर रुककर इसे पवित्र करें। इतना आग्रह करने पर दीपाजी ने उनका आग्रह स्वीकार किया और करणी जी सहित सब उनके घर पहुंचे और शाम का समय हो चुका था और आणदा के घर में बहुत सारी गायें थी और श्री करणी जी गांव की कुछ अन्य स्त्रियों के साथ रसोई घर में बैठी हुई थी और आणदा की माँ कुछ गायों को दोहने के बाद उस दूध को चूल्हे पर रख दिया और दूसरी गायों को दोहने के लिए जाते हुए श्री करणी जी से कहा कि बाईसा आप दूध का ध्यान रखना। तब श्री करणी जी ने कहा कि आप जाओ मैं ध्यान रखूंगी और श्री करणी जी गांव की स्त्रियों से बातचीत में लग जाती है और थोड़ी देर में वह दूध उफनने लगता है तो श्री करणी जी के मुख से बस यही रुक जा शब्द निकलता है और दूध वहीं रुक जाता है। जब आणदा की माँ गायों का दूध निकालकर वापस आती है तो दूध की हांडी भरी हुई देख श्री करणी जी से बोली कि बाईसा आपने तो पूरी हांडी को पानी से भर दिया, अब सुबह बिलौना से घी नहीं निकलेगा। तब श्री करणी जी ने कहा कि मैंने तो पानी को छुआ
भी नहीं तो दूध में कैसे डाल दिया। तब आणदे की माँ को विश्वास नहीं हुआ तो श्री करणी जी ने कहा कि इस दूध को अलग से जमा देना, और इस पर आणदे की माँ ने ऐसा ही किया और सुबह जल्दी उस दूध के दही का विलौना किया तो सारा दही घी में बदल गया। तब उसे विश्वास हुआ कि श्री करणी जी तो साक्षात महाशक्ति का अवतार है। और इस पर आश्चर्य को देखकर सारी स्त्रियां दूसरे दिन श्री करणी जी के समक्ष पहुंची और अपनी अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त किए। और इस चमत्कार के बाद आणदा की माँ ने कहा कि आणदा मेरा इकलौता बेटा है जो कुएं में नीचे जाकर उसे ठीक करने का काम करता है, और आप उसकी रक्षा का वचन देकर मुझ पर कृपा करें। तब इस पर श्री करणी जी ने कहा कि उसे कहना कि विपदा में हो तो मुझे याद कर लेना। और वचन देकर माता करणी जी ने साठिका गांव के लिए प्रस्थान किया। जब श्री करणी जी अपने ससुराल पहुंची तो देपाजी के पिता इस विवाह से अत्यंत खुश थे, क्योंकि साक्षात महाशक्ति जगदम्बा उनके घर बहू बनकर आई थी, और इसीलिए देपाजी के पिता ने उनका बड़ा ही भव्य स्वागत किया। लेकिन करणी जी ने ससुराल आगमन के समय ही देपाजी को साक्षात जगदम्बा के स्वरूप में दर्शन देकर अपना उद्देश्य बताया था कि आप मुझसे गृहस्थ संबंध नहीं रख सकते, और यह भी कहा कि आप मेरी बहन गुलाब बाई से विवाह कर लो। परंतु देपाजी स्वयं भी इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे और वह सदैव चिंतित रहते थे। और तब माँ करणी ने देपाजी को प्रस्ताव दिया कि आप दूसरा विवाह कर लो। तब देपाजी ने गुलाब बाई से विवाह संबंध करना स्वीकार किया, क्योंकि गुलाब बाई अत्यंत सुंदर थी, इसलिए यह विवाह विक्रम संवत 1474 व 1417 ईस्वी को हुआ। और इस बार देपाजी ने समस्त सामग्री स्वीकार कर ली जो श्री करणी जी के साथ विवाह के समय अपने ससुराल में ही छोड़ आए थे। तब एक बार जब साठिका में घिघा बिठू का एक पोता था जिसका नाम देवायत था, और देवायत के हिस्से में साठिका गांव में तीसरा हिस्सा ही आया था, और जैसे कि मेघासर झीणकली तथा इंदोखा गांव था, और देवायत बड़ा ही छली वह कपटी इंसान था। और एक दिन उसने श्रीकर्णी जी से कहा कि साठिका में मेरे हिस्से में जो भूमि आ रही है वह बिल्कुल नहीं के बराबर है, अतः आप कृपा कर एक भैंस बैठने जितनी जमीन मुझे प्रदान करें। और श्रीकर्णी जी ने देवायत की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और तब उसके मन में कपट जाग उठा और वो एक चमार के पास गया और भैंस का चमड़ा लेकर उसको बहुत ही बारीकी से कटवाया। और देवायत ने उस चमड़े को खेत में कई सौ बीघा का चक्र बनाकर जमीन को नाप लिया और जिसमें उसने खुद का तालाब खुदवा लिया। और जब यह बात चेखा बिठू को पता चली तो वह अत्यंत दुखी होकर सारा वृत्तांत माँ करणी को कह सुनाया। तब माँ करणी जी ने देवायत की कुटिलता को देखकर उसको यह श्राप दिया कि तेरे वंश की कभी वृद्धि नहीं होगी और तेरे घर में सदा एक ही आदमी बना रहेगा। विक्रम संवत 1500 व 1443 ईस्वी की और श्री करणी जी के ससुर केलू जी का स्वर्गवास हुआ, और इस समय राव रिडमल का पुत्र राव जोधा काहुनी गांव में विद्यमान था, और रिडमल की भांति राव जोधा भी श्री करणी जी का अनन्य भक्त था। और जो ही उसने केलू जी के स्वर्गवास का समाचार सुना त्यों ही मातमपुरसी के लिए अपने सब भाइयों सहित देशनोक पहुंचा, और देपाजी ने अपने पिता के मृत्यु भोज से अवसर पाकर अपने बड़े पुत्र पुण्यराज के साथ देह भाग संपन्न करवाया। और उसके कुछ वर्ष बीत जाने के बाद यानी विक्रम संवत 1511 व 1454 ईस्वी को श्री करणी जी के पति देपाजी का देशनोक में स्वर्गवास हो गया। और श्री करणी जी ने सामाजिक परंपरा के अनुसार अपनी लाल रंग की लुगड़ी अर्थात ओढ़नी उतार कर उसके स्थान पर लंबी बांह की अंगरखी और उसी रंग की लुगड़ी धारण की, और इस तरह माँ करणी ने 84 वर्ष तक विधवा का जीवन व्यतीत किया। एक बार जब देपाजी को गुलाब बाई से कुल 4 पुत्र थे जिसमें सबसे जवान पुत्र जिसका नाम लाखन था, और वह प्राय कर इधर उधर घूमने और अपने मित्रों के साथ खेलने चला जाया करता था, और यह घटना है विक्रम संवत 1524 व 1467 ईस्वी की है, जब लाखन कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम देखने के लिए देशनोक से अपने साथियों के साथ गया और वहीं स्नान करते समय डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसके मित्रों ने उसके शव को पानी से बाहर निकाला और बैलगाड़ी में सुलाकर देशनोक लाए। और तब लाखन की मृत्यु का समाचार सुनकर गुलाब बाई अत्यधिक विलाप करती हुई उसका शव श्री करणी जी के पास ले जाकर पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी, और तब माँ करणी ने उसका शव अपने पास रखवा दिया और स्वयं वहाँ ध्यान मग्न होकर बैठ गई, और यमराज के पास पहुंचकर लाखन के प्राण वापस लौटाने को कहा। तब यमराज ने कहा कि यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं लौटा। तब माँ करणी ने अपना विराट रूप धारण कर कहा कि आज के बाद मेरा कोई वंशज यमपुरी नहीं आएगा और वे मरकर काबा अर्थात चूहे बनेंगे। और इसी के साथ 3 दिन बाद लाखन पुनः जीवित हो उठा। एक बार जब श्री करणी जी ने जांगलू के जौहड़ में अपना निवास स्थान बनाया था और वह भूमि जांगलू के शासक कान्हा राठौर के अधिकार में थी जिसका माँ करणी ने वध कर दिया था तथा उसकी जगह राव रिडमल को जांगलू का राजा बना दिया था, तब उसने श्री करणी जी को भेंट स्वरूप आधा राज्य देना चाहा, जिसे माँ करणी जी ने अस्वीकार कर दिया। और उसके इतने आग्रह करने पर आखिरकार श्री करणी जी ने गायों के चराने के लिए उस भूमि को स्वीकार किया तथा इस क्षेत्र में 10 कुएं भी थे। और विक्रम संवत 1476 व 1419 ईस्वी को श्री करणी जी ने अपनी ढाणी से 1 कोस पहले देशनोक नगर का शिल्यापन किया, और श्री करणी जी की मान्यता आसपास के गांवों में फैल चुकी थी, इसलिए यह अवसर पाकर उनके कई भक्त वहां पर बस गए और यह बस्ती एक गांव के स्वरूप में आ गई। तो एक दिन राव रिडमल ने जोहड़ में पहुंचकर माँ करणी जी से प्रार्थना की कि यह गांव मेरे देश की ओट की पनाह में है, इसलिए इसका नाम देशोट रखिए। तब श्री करणी जी ने कहा
कहा कि यह गांव तो देश का नाक है, इसलिए इसका नाम देशनौक रखती हूँ। तब से यह नगर देशनौक के नाम से विश्व विख्यात हुआ। एक बार जब श्रीकर्णी जी के चमत्कारों को सुनकर पुगल के शासक राव बरसल के पुत्र शेखा भाटी ने मन ही मन श्रीकर्णी जी के दर्शन करने का विचार किया और अतिशीघ्र ही राजकुमार शेखा भाटी को अपने शत्रु से बदला लेने के लिए जाना पड़ा और उन्होंने श्रीकर्णी जी के चमत्कारों के विषय में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने युद्ध में जाने से पहले श्रीकर्णी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना उचित समझा और उन्होंने सुवाब गांव जाने का निश्चय किया और सुवाब के लिए प्रस्थान किया। और सुवाब पहुंचे ही थे कि श्रीकर्णी जी उनको गांव के रास्ते पर ही अपने पिता मेहाजी के लिए खाना ले जाती हुई मिल गई और राजकुमार भाटी ने श्रीकर्णी जी के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए श्रीकर्णी जी से युद्ध में विजय होने का वरदान मांगा। और तब श्रीकर्णी जी ने उनको ये वरदान दिया कि तुम्हारी हमेशा युद्ध में विजय हो और कहा कि तथास्तु, तुम्हारी हमेशा युद्ध में जीत होगी। एक बार राव शेखा 3 दिन सुवाब में ठहरने के बाद और सुवाब से रवाना होते समय उन्होंने श्रीकर्णी जी से प्रार्थना की और कहा कि हे बहन, अपने भाई पर एक उपकार करें और कहा कि आप मुझे अमृतत्व का वरदान देकर मुझे कृतार्थ करें। तब कर्णी जी ने कहा कि अमृतत्व तो आज तक इस संसार में किसी को नहीं मिला और जो इस मृत्यु लोक में आया है उसको एक ना एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और स्वयं मुझे भी एक दिन ये देह त्यागना होगा। तब राव शेखा ने प्रार्थना की, हे बहन, आप तो स्वयं जगत माता जगदम्बा हो, तो आप तो सब कुछ कर सकती हो। इस पर श्रीकर्णी जी ने कहा कि हाँ, मैं जगत माता अवश्य हूँ, किंतु मैं सृष्टि के नियम भंग नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें अमृता का वरदान दे सकती हूँ, परंतु तुम मेरे धर्म के भाई हो, इसलिए मैं ये वरदान देती हूँ कि जब तक तुम अमावस्या के दिन आग के पेड़ के नीचे खींप की चारपाई पर बैठकर काले मेंढे का मांस नहीं खाओगे, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और जब तक इन चारों चीजों का एक साथ उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम अमर हो। और ये वरदान पाकर राव शेखा भाटी ने खुशी खुशी पुगल राजे के लिए रवाना हुए। और एक बार जब राव शेखा दरबार लगाकर बैठे हुए थे और कवि वृंद भांति भांति की काव्य रचनाएं सुना रहे थे और इतने में उन्हें बादल गरजने की ध्वनि सुनाई दी और आकाश में विद्युतपात हुआ और बिजली राव शेखा के ठीक सिर पर आ गिरी। और उसी समय उसके दरबारी देखते हैं कि श्रीकर्णी जी राव शेखा के निकट खड़ी है और राव शेखा को अपनी लूगड़ी अर्थात ओढ़नी की ओट में बिजली से बचा रही है और बिजली लूगड़ी पर गिरकर वापस आकाश में चली गई। तो श्रीकर्णी जी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और इस घटना से राव शेखा के चित्त में श्रीकर्णी जी की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह करीब 40 कोस की दूरी से चलकर प्रत्येक चतुर्दशी को श्रीकर्णी जी के दर्शनार्थ के लिए पुगल से देशनौक आने लगे। और इस तरह श्रीकर्णी जी ने राव शेखा की बिजली से रक्षा कर अपने द्वारा दिए वचन का पालन किया। क्यों हुई एक योद्धा की मृत्यु काले मेंढे का मांस खाने पर, और ये हुआ माँ कर्णी जी के अनोखे वरदान के कारण। और एक बार जब श्रीकर्णी जी ने राव शेखा को वरदान दिया था कि जब तक तुम अमावस्या के दिन आग की छाया में खींप के बाण से बनी हुई खाट पर बैठकर काले मेंढे का मांस नहीं खाओगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तब से राव शेखा इन चारों संयोगों से बड़ा सावधान रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ निकले और उसी दिन संयोग से अमावस्या थी और वह एक सुअर का पीछा करते करते अपने साथियों से बिछड़ गए और वो एक जंगल में एक राजपूत की ढाणी में पहुंचा और उस राजपूत ने राव शेखा की खूब आवभगत की और उसने आग की छाया में खाट लगा दी और मांस बनाकर खिलाया। और मांस खाने के बाद याद आया कि ये मैंने क्या किया और तब उस राजपूत से मांस के बारे में पूछा तो उसने बताया कि काले मेंढे का मांस था। और इतना कहना हुआ कि राव शेखा ने कहा कि मेरा बुलावा आ गया है और उसी समय शेखा भाटी की श्रीकर्णी जी के दिए गए वरदान से ही मृत्यु हो गई। तो माँ कर्णी के सच्चे भक्त कॉमेंट में जय माँ कर्णी जरूर लिखें।